नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए अभय तिवारी निवासी ग्राम साकीपुर जमूरपुर पोस्ट रानी की सराय तहसील सदर आजमगढ़ जो मंडलायुक्त कार्यालय पर होमगार्ड की पद पर तैनात हैं। पत्रकार से हुई बातचीत में बताया कि आजादी के बाद से ग्राम साकीपुर ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज चल रहा है। समस्त अभिलेख आधार कार्ड वोटर कार्ड परिवार रजिस्टर राशन कार्ड समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र ग्राम साकीपुर के पते पर है। हमारे ग्राम के प्रधान पत्नी जो लेखपाल हैं और लेखपाल होने की धौस गांव में दिखाते रहते हैं। हमारे परिवार के सदस्य सुग्रीव की पत्नी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे जिसकी रंजिश में लेखपाल प्रधानपति ग्राम से हमारा नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अपने साथियों को मिलाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं जो संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसके संबंध में एक जांच नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ द्वारा की गई। उक्त जांच में हमने सभी अभिलेख साकीपुर से संबंधित दिखाया। लेखपाल अपने काशी के प्रभाव के चलते अनेक प्रकार से धमकियां देते रहते हैं कि तुम लोगों को गांव में नहीं रहने दूंगा, जिससे हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर उत्पीड़न रोका जाना अति आवश्यक है। मामला सर यह है कि हम लोग कई बार हमारे गांव से प्रधानपति सुग्रीव तिवारी और चंद्रमौली पुत्र वाचस्पति और रविकांत पुत्र ब्रह्मदेव, ये लोग बार बार हम लोगों के खिलाफ फर्जी प्रार्थना पत्र देते हैं कि ये साकीपुर के पुस्तैनी निवासी नहीं है, जबकि हमारे बड़े पिताजी एसआई से रिटायर हैं, 60 साल सर्विस करके आए हैं। और इन लोगों द्वारा बार बार धमकी और यह प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि ये लोग मूल निवासी नहीं है, जबकि हम लोग 2015 में इलेक्शन लड़े थे जिसमें हम लोगों का 45 वोट से हार जीत है और हम लोग इनके प्रतिद्वंदी, इसलिए हम लोगों का राजनीतिक द्वेष बस यह नाम कटवाना चाहते हैं और इससे हम लोग आज यहाँ और मंडलायुक्त साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ के हम पुस्तैनी निवासी हैं वहीं के हम पुस्तैनी निवासी हैं तो वहीं हम रहें। अच्छा, आप यूपी पुलिस में भी हैं? नहीं नहीं, यूपी एचजी में है सर, कमिश्नर कार्यालय में हमारी ड्यूटी है, वहीं हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनसे उब के परेशान होकर हम लोग मानसिक उत्पीड़न हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। नायब तहसीलदार साहब मौके पे जांच कर चुके हैं, उनके द्वारा जांच की गई, सारा अभिलेख हम लोगों का साकीपुर का है और यह फर्जी तरीके से बस परेशान करने के लिए हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।